हेलो एवरीवन, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। अक्सर शादियों में और फेस्टिवल में एक मिठाई हमेशा पाई जाती है, वो है मूंग दाल का हलवा। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ली है एक बड़ी कटोरी मूंग की दाल, यानी कि 100 ग्राम ली है। सबसे पहले हम मूंग दाल को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक टेबलस्पून घी लिया है, इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। इसका कलर जब तक चेंज नहीं होता है तब तक इसे रोस्ट करना है। इसे ना लगभग 15 मिनट लगेंगे। ये हो चुकी है दाल। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ठंडा करते हैं और बाद में इसे मिक्सी में से ग्राइंड कर लेते हैं। दाल ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सी में से निकाल लेते हैं। देखते हैं हो चुकी है क्या। ये हो चुकी है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम एक बर्तन में दूध गर्म कर लेते हैं। हमने ली है एक कटोरी मूंग दाल, तो हम लेंगे 2 कटोरी दूध। अब हम क्या करेंगे, पीसी हुई जो दाल है उसे हम घी में भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनना है इसको। इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी घी और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। 15 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और इसे धीमी आंच पे ही करना है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पूरा दूध उसमें सोक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। एक कटोरी शक्कर लेंगे हम, यानी कि चीनी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और राह देखेंगे। इसे अच्छे से 10 मिनट तक पकने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हलवा रेडी है क्या। हलवा हो चुका है, देखो साइड से घी निकल आया है। अब इसमें जाएगी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बारीक कटा हुआ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरे सारे रेसिपीज का अपडेट चाहिए तो आपके मोबाइल के यूट्यूब पर बेल आइकन है, वहां पर सिर्फ एक बार क्लिक करना है। अब इसे प्लेटिंग करेंगे हम। थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अगर हमें ऐसा लगता है कि शादियों में जाने के बाद ही मूंग दाल हलवा खाने को मिलेगा तो ये गलत बात है। अभी आप खुद बना के खा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।